जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए, एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया। समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यूं तो राजनीतिक पार्टियों के बीच कई गठबंधन हुए, लेकिन एक ऐसा गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा जो शायद ही कभी भविष्य में दोबारा होगा। हालांकि कुछ वक्त पहले वही गठबंधन एक बार फिर से हुआ था, लेकिन वापस से उसकी उम्र छोटी ही निकली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब ये गठबंधन पहली बार हुआ था तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये दोनों कुछ इस तरह से अलग हो जाएंगे कि भविष्य में कभी ये सोचकर भी साथ नहीं आ पाएंगे। और उसकी वजह थी उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो गेस्ट हाउस कांड। गेस्ट हाउस कांड उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास की उस काली रात के तौर पर दर्ज है जिसे शायद ही कोई भूल सकता है। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सपा सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती की। दोनों ने एक वक्त में हाथ मिलाया था, लेकिन हाथ इस तरह से झटके कि दोबारा कभी एक दूसरे का आमना सामना बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि मायावती ने बाद में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन जरूर किया, और वो भी गठबंधन बहुत ही छोटे समय तक रहा, लेकिन उस गठबंधन में भी कोई ऐसी कड़वाहट की दीवार नहीं रही जो कि कभी भूलने से भी भुलाई ना जाए। लेकिन जो अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन में काली रात के तौर पर दर्ज है, उसे मायावती कभी भुला नहीं सकती हैं। और यही वजह थी कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के वक्त में उन्होंने उसी गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया और एक बार फिर से नाता तोड़ दिया। लेकिन आखिरकार उस दिन गेस्ट हाउस में हुआ क्या था, आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। उस दिन ऐसा कुछ हुआ था जिसने ना केवल भारतीय राजनीति का बदरंग चेहरा देखा, बल्कि मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच वो खाई बनाई जिसे लंबा अरसा भी नहीं भर सका। दरअसल साल 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई और इसके अगले साल भाजपा का रास्ता रोकने के लिए रणनीतिक साझेदारी के तहत बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया। सपा और बसपा ने 256 और 164 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा। सपा अपने खाते में से 109 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 67 सीटों पर हाथी का दाव चला। लेकिन दोनों की ये रिश्तेदारी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। साल 1995 की गर्मियां दोनों दलों के बीच रिश्ते खत्म करने का वक्त ले आई। इसमें मुख्य किरदार गेस्ट हाउस है। इस दिन जो घटा उसकी वजह से बसपा ने सरकार से हाथ खींच लिए और वो अल्पमत में आ गई। भाजपा मायावती के लिए सहारा बनकर सामने आई और कुछ ही दिनों में तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा को वो चिट्ठी सौंप दी गई कि अगर बसपा सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो भाजपा उसके साथ है। ये वो दौर था जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और बसपा ने समर्थन किया था, लेकिन वो सरकार में शामिल नहीं हुई थी। साल भर तक ये गठबंधन चला और बाद में मायावती की भाजपा के साथ तालमेल की खबरें आने लगी, जिसका खुलासा आगे चलकर हुआ भी। कुछ ही वक्त बाद मायावती ने अपना फैसला सपा को सुना दिया
और इस फैसले के बाद मायावती ने गेस्ट हाउस में अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी। सपा के लोगों को किसी तरह इस बात की जानकारी भी मिल गई कि बसपा और भाजपा की बीच साठ गांठ हो गई है, वो सपा का दामन छोड़ने वाली है। जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में सपा के लोग गेस्ट हाउस के बाहर जुट गए और कुछ ही देर में गेस्ट हाउस के भीतर के कमरे में जहां बैठक चल रही थी वहां मौजूद बसपा के लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। ये सब कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तभी मायावती जल्दी से जाकर एक कमरे में छिप गई और खुद को अंदर से बंद कर लिया। उनके साथ दो लोग और भी थे, इनमें एक सिकंदर रिजवी थे, वो जमाना पेजर का हुआ करता था। रिजवी का ये कहना है कि उनको पेजर पर ये सूचना दी गई थी कि किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। दरवाजा पीटा जा रहा था, लगातार दरवाजा खोलने के लिए बाहर से दरवाजे को पीटा जा रहा था और बसपा के कई लोगों की काफी पिटाई भी हुई थी। इनमें से कुछ लहूलुहान हो गए तो कुछ भागने में कामयाब हुए। बसपा के नेता सूबे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फोन कर बुलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने भी तब फोन नहीं उठाया। इस बीच मायावती जिस कमरे में छिपी थी, सपा के लोग उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और बचने के लिए भीतर मौजूद लोगों ने दरवाजे के साथ सोफे और मेज लगा दिए थे ताकि चटकनी टूटने के बावजूद दरवाजा ना खुल सके। बसपा का आरोप है कि सपा के लोगों ने तब मायावती को धक्का दिया और मुकदमा ये लिखाया गया कि वो लोग उन्हें जान से मार देना चाहते थे। इसी कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भाजपा के लोग मायावती को बचाने वहां पहुंचे थे, लेकिन कई लोगों का इसमें ये मानना है कि इस दावे में दम नहीं है। दरअसल मायावती के बचने की वजह मीडिया थी। उस वक्त गेस्ट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे। सपा के लोग वहां से मीडिया को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हटे नहीं। कुछ ऐसे लोग भी सपा की तरफ से भेजे गए थे जो समझा कर मायावती से दरवाजा खुलवा सके, लेकिन मायावती ने दरवाजा नहीं खोला। इसके अगले रोज भाजपा के लोग राज्यपाल के पास पहुंच गए कि वो बसपा का साथ देंगे सरकार बनाने के लिए। तब कांशीराम ने मायावती को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया और यहीं से मायावती ने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हालांकि मायावती ने अपने एक इंटरव्यू में बाद में ये भी कहा कि उस दिन उनको मरवाने की साजिश की गई थी जिससे बसपा को खत्म कर दिया जाए, और यही वजह है कि मायावती सपा से बेहद नफरत करने लगी। हालांकि बाद में उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए उनके साथ पुरानी बातों को भुलाते हुए हाथ मिला लिया। यहाँ की जनता व मीडिया बंधु भी मुझसे ये जरूर जानना चाहेंगे, 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं, और वैसे भी देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। लेकिन एक बार फिर मायावती ने सपा के साथ गठबंधन ये कहते हुए तोड़ दिया कि वो चाहकर भी पुरानी बातें नहीं भूल सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।